नमस्कार, प्रणाम। इन्फॉर्मेशन विद पीके पर सभी सहारा पीड़ितों व सम्मानित कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले जो 3 दिन यानी कि 3 सितंबर, 4 सितंबर और 5 सितंबर को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली थी सहारा के जितने भी केस लिस्टेड थे, उनमें से 3 सितंबर और 4 सितंबर का ऑर्डर नोटिस आ चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप सभी को देखना ज़रूरी है। क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है? ऑर्डर नोटिस जारी कर दिया गया है, तो आप सभी को हम लाइव दिखाएंगे, तो आप लोग देखिएगा इस प्रकार से है, कौन कौन से केसेस की सुनवाई हुई है और सहारा के बैंक खुल सकते हैं, सहारा के द्वारा भुगतान मिलने के चांस, ये भी आप सभी को भी देखने को ऑफिशियली मिलेगा। तो आइए पहले देखते हैं, पूरा ले चलते हैं डायरी नंबर डाल डुल के। देखिएगा दोस्तों, डायरी नंबर है 36632/2012 सेबी वर्सेस सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड ORS। केस डिटेल्स लिखा हुआ है, डायरी नंबर, केस नंबर सब पूरा बाकायदा डिटेल में लिखा हुआ है और 2012 का ये रजिस्टर्ड है, 22/11/2022। तो ऑनरेबल हैं इसके मिस्टर जस्टिस जो हैं इसके संजीव खन्ना जी हैं और दूसरे हैं जस्टिस MM सोंड्रेस। तो इन लोगों के मध्य सुनवाई हुई थी। आगे देखिएगा दोस्तों, ये भी है, इसको भी देखिएगा, डायरी नंबर सब लिखा हुआ है। इसमें जो स्टेटस स्टेज जो है, पेंडिंग मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केसेस इज अलाउड 11694/122/2015। तो ये इसका स्टेटस स्टेज दिखा रहा है। कैटेगरी है 1903 जज बेंच मैटर, 3 जजों के द्वारा केस की सुनवाई होती थी और पेटिशनर्स इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट जो है सेबी है, दूसरा सहारा। तो इन सहारा और सेबी के केस की जो सुनवाई हुई थी उसका अब मेन आपको हम जजमेंट ऑर्डर दिखाते हैं, तो आप लोग देखिएगा वीडियो क्लिप के माध्यम से। 11 नंबर पेज पर एक अच्छी खबर है, जो IN नंबर आप लोग देख सकते हैं 99229/2019 फॉर इन्वेस्टर्स इज अलाउड सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सपेक्टेड। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंपनीज इन क्वेश्चन विच हैव ए पे द अमाउंट विल फाइल एन एफिडेविट विच सेबी स्टार्टिंग वेदर एनी ऑफ द स्टेट ऑफ द सेट कंपनीज हैव बीन सोल्ड द सेल प्रोसीड्स एंड द अमाउंट डिपोजिटेड इन सहारा सेबी रिफंड अकाउंट। इन केस द सेल प्रोसीड्स हैव बीन डिपोजिटेड इन सहारा इन द सेबी सहारा रिफंड अकाउंट on the sale of any of the assets of the company in question, the same will be paid to the employees applications, यहाँ पर देखिए ध्यान employees, towards the principal amount of paid salary along with the simple interest of the rate of 12% per annual। मतलब देखिए इसमें सहारा के द्वारा एक हो सकता है फाइल लगाया होगा कि हमको सहारा से भी अकाउंट से पैसा चाहिए या हमको अनुमति चाहिए कि हम अपना जो पैसा ज़मीन को बेच करके, मेरे बहुत सारे इम्प्लॉई का पैसा बाकी है, सहारा के जितने भी कर्मचारी हैं उनका पैसा बाकी है, तो हमको ऑर्डर दीजिए कि हम इनका पैसा जो है बांट सके। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पहले आप जो आपकी जो ज़मीन है या आपका जो भी मतलब होगा आपको सहारा से भी अकाउंट से बेच करके सहारा से भी रिफंड अकाउंट में जमा कीजिए, इसके बाद आपको पैसा दिया जाएगा और वो 12% के ब्याज के साथ, मतलब हर साल ईयर में 12% ब्याज के साथ आपको एम्प्लॉय के पैसा दे सकते हैं, मतलब 12% इंटरेस्ट के साथ आप एम्प्लॉय का पैसा दे सकते हैं। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि आप पैसा 12% के साथ आपको अकाउंट में पैसा दिया जाएगा सहारा से भी अकाउंट में, पहले आप अपना संपत्ति बेच कर जमा कीजिए, इसके बाद आपको पैसा रिलीज किया जाएगा ताकि आप अपने सहारा के जितने भी इम्प्लॉई हैं उनको पैसा आप दे सकते हैं। इसमें ऐसा ऑर्डर मिला है 12% के साथ साथ में, तो ऐसा हो सकता है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि सहारा के जितने भी ऑफिसर्स ऑफिस है, छोटे छोटे ब्रांचेज है, ओपन नहीं है, क्लोज हैं। तक क्लोज होने का सबसे बड़ा कारण है कि उनका जो पैसा राशि है, जो कर्मचारी उनका पैसा जो है कि नहीं मिल पा रहा है, या जहां पर रेंट पर लगा हुआ है वो रेंट भी पैसा नहीं मिलने के कारण सारा क्लोज है। तो जब सारे लोगों का पैसा, एम्प्लॉय का पैसा मिल जाएगा, सारे जो रेंट पर है
उस उनका पैसा मिल जाएगा। तो हो सकता है कि आए दिन आने वाला दिन में जब पैसा मिल जाएगा या पैसा जब मिलेगा भी तो वो कर्मचारियों को अपना ऑफिस से ही मिलेगा। तो हो सकता है आने वाले दिन में कर्मचारी अपने जो है कि ब्रांचेज में आ सकते हैं, मतलब ब्रांच ओपन हो सकता है। इससे तो यही दिखाई दे रहा है, सहारा ने खुद आई फाइल लगा कर बोलिए कि भाई हमको इम्प्लॉय के पैसा देना है, हमें बहुत सारे लोगों का पैसा देना है। तो वो बोलिए कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की 12% ब्याज के साथ आप पैसा को दे सकते हैं, ये लीगल है, आप दे सकते हैं। आपको अपना ज़मीन बेच करके पहले अकाउंट में जमा कीजिए, इसके बाद आप पैसा को दे सकते हैं। जहाँ तक हमको उम्मीद है इसी तरह के बात इसमें चर्चा किया गया, आप लोग ज़रूर इसको ऑफिशियल लेटर को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसमें एक अच्छी खबर है कि सहारा द्वारा ये फाइल जो लगाया था उसमें 12% के साथ देने का ब्याज का बात किया गया है। मतलब यही बात हम आप लोग बताएं कि आने वाले दिन में बैंक के कर्मचारी जो है ब्रांचेज ओपन हो सकते हैं, तो जो ब्रांच होंगे तो पैसा भी मिल सकता है। इसी तरह से आप लोग हम पुराना थीम दिखाए भी थे कि IFL लगाई हुआ था कि ब्रांच से भुगतान के लिए, तो उन्होंने बोला आप रोड मैप दीजिए। तो देखिए आगे अभी जो है कि ये मात्र जो जारी किया गया नोटिस, ये 3 और 4 सितंबर की सुनवाई का ही नोटिस जारी किया गया जो आपको। सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों ने पूरी वीडियो क्लिप को ध्यानपूर्वक देख लिया होगा, समझ लिया होगा, इसमें जो 11 नंबर दिखाया गया है, इसमें सहारा के द्वारा यानी कि बैंक खुलने के चांस लग रहे हैं। और जैसा कि बताया भी गया है कि जो है इसमें सहारा और वर्सेस सेबी केस की सुनवाई हुई। इसमें जो केस लिस्टेड था, सभी लोगों का मानना था कि बैंक के द्वारा भुगतान हो, तो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जो दिखाया गया है वो तो आप लोगों ने स्वयं देखा है, माननीय ऑफिशियल वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर नोटिस जारी किया गया है, तो उस पर तो लिख रखा है कि भुगतान जो है बैंक के द्वारा मिल सकता है, क्योंकि हर जगह जो है ब्रांचेस बंद हैं, ये तो सभी को मालूम है, आपको भी मालूम है। तो ब्रांच जब खुलेंगे तो ब्रांच के माध्यम से भुगतान होगा, अभी ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि जब क्लियर अभी होगा जब 5 तारीख का ऑर्डर नोटिस आ जाएगा। ये ऑर्डर नोटिस केवल और केवल 3 सितंबर का है और 4 सितंबर का है, और 5 सितंबर का भी बाकी रह गया है। लगभग 5 सितंबर वाला आज शाम तक या कल की डेट में आ जाएगा दोस्तों। तो 5 सितंबर वाला जैसे ही ऑर्डर नोटिस हमारे पास आएगा तो उसकी जानकारी भी लाइव आप सभी को हम दिखाएंगे, क्योंकि इसमें मेन हमने दिखाया है, बाकी जो है बहुत बड़ा था वो एक वीडियो के माध्यम से नहीं दिखा सकते हैं। पूरी PDF जो है लगभग 10 से 20 पेज की थी, इसलिए पूरा नहीं दिख पाया है। तो 5 सितंबर का जैसे ही ऑर्डर आता है वो आप सभी को हम दिखाएंगे। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय जवान, जय किसान।